हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक नए पावरफुल वीडियो में। परमेश्वर आशीष दे, आज हम विशेष के साथ उपस्थित हुए हैं। आज एक मसीही यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसका पति अपनी पत्नी को मारता है। जब उसकी पत्नी चर्च जाती है, कलीसिया जाती है, पति दारू पी के अपनी पत्नी को मारता है, उसके घर वाले गाँव वाले उसको गाँव से बाहर निकाल देते हैं। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है बोलते हैं तूने धर्म बदल लिया है। बहुत सारे सताव का उनको सामना करना पड़ता है, गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कूटते हैं, उनके गांव उनको गांव से अलग कर देते हैं, पत्नी को मारता है। जब उसके भाई यीशु मसीह पे विश्वास करते उसको घर वाले मारते हैं कि तू क्यों यीशु मसीह पे विश्वास करता है, तो क्यों यीशु मसीह का नाम लेता है। पति दारू पे क्या आता है, अपनी पत्नी को मारता है, बोलता है तू क्यों यीशु मसीह पे विश्वास करती है, तू क्यों यीशु मसीह का नाम लेते, तू क्यों प्रार्थना करते, तू क्यों चर्च जाती है। मेरे प्रियजनों, ऐसे करके उन्हें बहुत सारे सताव का सामना करना पड़ रहा है। मगर जो परमेश्वर के लोगों को जनों को सताते हैं उनको एक दिन परमेश्वर लहू पिलाएगा, खून का बदला खून। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह उन लोगों को खून ही पिलाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती की पुस्तक 5:10-11 वचन से 12 वचन में पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मेरे प्रियजनों, धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में सबसे बड़ा प्रतिफल है, क्योंकि उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया गया था। मेरे प्रियजनों, धन्य कह रहा है यीशु मसीह। जब हम यीशु मसीह के कारण सताए जाते हैं, लोग हम लोगों की निंदा करते हैं, चर्च जाते समय, बाइबल पढ़ते समय, प्रार्थना करते समय घर वाले निंदा करते हैं, सताते हैं, गाली देते हैं, मारते हैं, तो यीशु मसीह हम लोगों को धन्य कह रहा है। मेरे प्रियजनों, क्योंकि जो यीशु मसीह ने कहा है वह होके ही रहेगा। हम सभी को थोड़ा बहुत दुख उठा लीजिए, ठीक है। यीशु मसीह हम सभी को अनंत काल का जीवन देगा, अमर जीवन देगा। आज जो लोग यीशु मसीह के लोगों को मारते हैं, सताते हैं, गाली देते हैं कि तू क्यों यीशु मसीह पे विश्वास करती है, तू क्यों चर्च जाती है, तो उन लोगों को एक दिन परमेश्वर बहुत तड़पाएगा। उन लोगों को परमेश्वर खून पिलाएगा, लहू पिलाएगा। जो लोग यहाँ पर रह जाएंगे उनकी चमड़ियाँ जिंदा जलेंगी, खाले सिकुड़ जाएंगी, उनकी मौत मांगेंगे फिर भी मौत नहीं आएगी। अभी तो बड़ा मज़ा आ रहा है, अभी तो बड़ा मज़ा आ रहा है। पास्टरों को मारा जा रहा है, लहू बहाया जा रहा है, पास्टरों को जान से मारा मार दिया जाता है, उनका लहू बहाया जाता है, मार दिया जाता है। जो लोग आज यीशु मसीह के लोगों को सता रहे हैं उन लोगों को परमेश्वर बहुत तड़पाएगा, खून का बदला खून। यीशु मसीह ने कहा है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और तुम्हारे विरोध में झूठ की झूठी बात कहे, आनंदित और मगन होना। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है अभी आप दुख तकलीफ सह लो, दर्द सह लो, किसी के डराने धमकाने से मत डरना, यीशु मसीह को मत छोड़ना, ठीक है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21:4 वचन में लिखा हुआ है और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद ना मृत्यु रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेंगी, वह उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। कौन? यीशु मसीह। हम सभी की आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। जो हम लोग पृथ्वी पर दुख उठा रहे हैं, पीड़ा उठा रहे हैं, ठीक है, गरीबी में जूझ रहे हैं, बीमारी में, तंगी में, परेशानी में जूझ रहे हैं, तो यीशु मसीह हमारी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। नए यरूशलेम में स्वर्ग में वहाँ ना मृत्यु रहेगी, ना शोक रहेगा, ना विलाप रहेगी। ये पहली बातें बीत जाएंगी, जाती रहेंगी। मेरे प्रियजनों, ठीक है, आशा करते छोटा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को दबा के शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की, गुड लक।